ये है दाइवा 55 इंच स्मार्ट टीवी का रिव्यू और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये टीवी के फीचर्स क्या है और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है दाइवा कंपनी का स्मार्ट टीवी जो 55 इंच के स्क्रीन के साथ में आता है और बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं फुल एचडी रेजोल्यूशन मेंशन किया हुआ है। एम कास्ट मायरा कास्ट सपोर्ट करता है। 1GB रैम के साथ में आता है, 8GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस और स्क्रीन कैप्चर की भी सुविधा है। तो ये है इसका बॉक्स पैक। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। ये टीवी जब आप खरीदते हैं तो आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा टीवी है, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। देख सकते हैं कि थर्माकोल के बाद एक प्लाईवुड भी है और ये जो प्लाईवुड है ये जो स्क्रीन है उसे प्रोटेक्ट करेगा जब ये जो प्रोडक्ट है आपके घर पे शिप होता है। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये 55 इंचेस का बड़ा टीवी और साथ में आपको ये वॉल अटैचमेंट ऑप्शंस मिलते हैं और ये है स्टैंड अटैचमेंट ऑप्शंस। साथ में कुछ स्क्रूज मिलते हैं, एक रिमोट भी मिलता है। आपको रिमोट के बारे में बता दूं, रिमोट साधारण टीवी रिमोट की तरह है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक है। दाइवा का लोगो भी है यहाँ पर और जो यूनिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये 3 बटन्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार। इन 3 बटन का इस्तेमाल करके आप अपना मनपसंद एप्लीकेशन जल्दी से इस रिमोट के ज़रिए शुरू कर पाएंगे। बॉक्स के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, कुछ और स्क्रूज मिलते हैं, साथ में बैटरी भी मिलता है रिमोट के लिए। तो ये है टीवी 55 इंचेस का दाइवा ब्रांड से और ये फुल एचडी रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा है और स्लिमनेस की बात करें तो ये काफ़ी स्लिम भी है। पीछे साइड से ये इस तरीके का दिखता है और आपको मैं जल्दी से बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। कुछ बटन्स हैं, इन बटन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ कारणवश आपको रिमोट नहीं मिलता है। 2 USB पोर्ट्स हैं, कुछ ऑडियो पोर्ट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं RJ45 पोर्ट है, VGA पोर्ट है जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं, कुछ और ऑडियो पोर्ट्स हैं, HDMI के 2 पोर्ट्स हैं और यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि इस टीवी में आपको कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। ये टीवी A+ ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है। आप वॉल माउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टैंड अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके का मेटालिक फिनिशिंग है जो एक प्रीमियम फील देता है। इंपॉर्टेंट फीचर स्टिकर्स के ऊपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए इसे शुरू कर देते हैं, मैंने इसे स्विच ऑन कर दिया है। तो ये है डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास घर में एंटीना है या डिश टीवी है तो उसका जो रिसेप्शन है वो डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैटिक है, मैंने फ़िलहाल तो कुछ एंटीना कनेक्ट नहीं किया हुआ है लेकिन इंटरफेस देख सकते हैं कि अलग किस्म का इंटरफेस है। ये जो UI है, यूज़र इंटरफेस, ये दूसरे दाइवा टीवी से तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा अलग है। ज़्यादा करके जितने भी स्मार्ट टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल है वो एंड्रॉयड किटकैट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये टीवी एंड्रॉयड किटकैट का ही इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड किटकैट वर्जन 4.4.4। इस टीवी की खास बात यह है कि इसमें आपको 1GB रैम मिलता है और 8GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस। ये एंड्रॉयड बेस्ड टीवी है, आप गूगल प्ले को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिमोट है इसमें एक माउस का ऑप्शन है, उसे प्रेस करते ही एक कर्सर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये कर्सर है और ये कर्सर को आपको जो नेविगेशन बटन्स है उसका इस्तेमाल करके मूव करना पड़ेगा। मतलब कि एयर माउस की तरह जो फीचर्स होते हैं काफ़ी स्मार्ट टीवीज़ में, वो फीचर इस टीवी में नहीं है। इसमें आई सेफ का ऑप्शन है जो थोड़ा सा कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। ये जो 3 बटन्स हैं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, इसका आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। ये स्मार्ट टीवी डुअल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा है और इसमें 10 वॉट्स के 2 स्पीकर्स हैं। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साउंड भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ये फुल एचडी टीवी है, बेहतर होगा कि आप फुल एचडी कंटेंट इस पर देखें। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। एप्लीकेशंस भी इस टीवी पर अपडेट हो रहे हैं। अगर आप बड़ा टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो दाइवा 55 इंच टीवी एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत है तकरीबन 40,990 रुपये। आप ये टीवी ऑनलाइन साइट से खरीद सकते हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम पे भी अवेलेबल है और कुछ साइट्स पर आपको अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है जिससे जो फाइनल प्राइस है वो और भी कम हो जाता है। कुछ ऑफर्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो ये टीवी आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।